está haciendo por dentro. Sigue. Ha. Yo, it's your boy Tid. Namaskar. Friends, बस तो चुनाव का मतलब ये होता है जिसमें आपके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एंड हू द हॉटेस्ट गर्ल इन द कॉलेज चुना जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम उन चुनावों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं डूसू इलेक्शंस की। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जहाँ इंसान कम पढ़ते हैं भीड़ ज्यादा पड़ती है। इन भेड़ों के भी दो प्रकार होते हैं जी। पहले होते हैं जी सूडो इंटेलेक्चुअल्स, ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, महंगी कोचिंग क्लासेस और अपनी माँ के आशीर्वाद के दम पे कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हैं। लेकिन पढ़ाई के ओवर प्रेशर की वजह से इनके पिछवाड़े का सारा दम खत्म हो जाता है। इसके बाद आते जी दूसरे वाले, इनका नाम था रॉबिन हुड्स। ये रॉबिन हुड्स वो है जो चिल मारते हैं साल भर, मजे करते हैं और कॉलेज इलेक्शन के टाइम एक्टिव हो जाते हैं, और इनका सबसे पहला काम होता है एक व्हाइट शर्ट खरीदना। व्हाइट शर्ट, व्हाइट शर्ट इसलिए पहनते हैं क्योंकि तिरंगे का जो कलर है वो व्हाइट है, बोला था इसलिए पहन ली। व्हाइट शर्ट, यू ही पहन लेते हैं। उससे व्हाइट जो है शांति का प्रतीक होता है, उससे हमारे जो है हम भी चाहते हैं कि कॉलेज में हम शांति फैलाए। और कॉलेज में जो है, कॉलेज है तो कॉलेज के जैसे बच्चे होते हैं तो कॉलेज है कॉलेज। और इन लोगों की जिंदगी का एक ही मकसद है इंडियन डेमोक्रेसी की मौत। ये जो स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल्स और रॉबिन हुड्स होते हैं, इनका आपस में शक्ति स्थापना है, एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं जी लोग। इलेक्शन से पहले स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल्स के पीछे भागते ये रॉबिन हुड्स, और इलेक्शन के बाद रॉबिन हुड्स के पीछे भागते हैं स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल। लेकिन ये कहानी इलेक्शन से पहले की, ये इलेक्शन के बाद की नहीं है। इलेक्शन के दौरान की स्टोरी बताई जा रही है आपको, पन्ना पलटो बेटा। एक छोले भटूरे और मिल जाएगा? अरे बिल्कुल यार, अरे छोटू एक छोला भटूरा देना है भाई को। ये सारे रॉबिन हुड्स इन स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल्स को अपने अंडर करने में लगे हुए होते हैं, और ये सारे स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल बिना दिमाग के वोट डालने में। हम तो भैया अपने दोस्त चिन्नंदन को ही वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने ना हमारी बंदी से हमारी जान बचाई थी। हमारा वोट हिंदी विभाग से खड़े हुए कैंडिडेट चिन्नंदन पांडे को जाएगा, क्योंकि हिंदी विभाग की भलाई ही हमारी भलाई। जय हिंदी डिपार्टमेंट। देखो जी, मैं तो अपने भरा चिन्नंदन अटवाल को वोट देना है, जो मर्जी कह दो। बेबे मैं कैमरे पे आ रहा, देख टीवी लगा। इन स्टूडो इंटेलेक्चुअल्स के इस रवैये को देख के ये रॉबिन हुड्स भी अपनी रणनीतियों में बदलाव लाते हैं, और इनको बदले में क्या देते हैं? फेक फ्रेंडशिप, हैंडसम कैंडिडेट, चॉकलेट और बियर का झांसा देकर इनको अपने अंडर कर लेते हैं।
और इन हरकतों में शामिल है हॉस्टल में चॉकलेट्स, बियर्स बांटना, सूडो इंटेलेक्चुअल्स को बसों में भर भर के एडवेंचर आइलैंड लेके जाना, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स के साथ ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स वाला बिहेव करना। इलेक्शन के टाइम तो कैंडिडेट कैंटीन भी फ्री करवा देते हैं। कैंटीन फ्री होगी। हाँ, और ये स्टूडेंट इलेक्शन भी कम नहीं है जी। ये रॉबिन हुड को अपने डबल गेम के हिसाब से चूना लगाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। ये लोग खाते तो सबका है पर वोट अपनी भेड़ चाल के हिसाब से देते हैं। I will take free gifts from everybody and vote according to my will. Election day से एक दिन पहले की रात कत्ल की रात मानी जाती है। हाँ हेलो यार, अरे तेरे को वोट दूंगा यार, कैसी बात कर रहा है? अरे भाई तुझको बोला ना, तुझको ही वोट करूंगा यार, कितनी बार फोन करेगा भाई, तू मेरा ब्रेकअप करवा के रहेगा इस तरह से? हाँ हेलो, हाँ यार आ रहा। अबे नहीं नहीं दे रहा तुझे वोट यार, मैं किसी को वोट नहीं दे रहा यार, अब मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ अपने। इलेक्शन की एक रात पहले सभी स्टूडेंट इलेक्चुअल्स को फोन करना, पीजी और हॉस्टल में जाकर उनको दारू बियर पिलाकर पूरी रात नशे में भंड करना, और सुबह उनका हैंगओवर उतरने से पहले उन्हें गाड़ियों भर भर के कॉलेजों में छोड़ के आना ताकि वो लोग वोट डाल सके। इलेक्शन के बाद ये जीते हुए कैंडिडेट अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और पहुंच जाते हैं हिंदुस्तान की तबाही करने के अगले चरण की ओर। और ये स्टूडेंट इलेक्चुअल आगे चल के बसों, ट्रेनों और मेट्रो में अपने करंट पॉलिटिशियंस की कमियां गिनाते हुए रोज अपने ऑफिस से लेकर घर तक का सफर तय करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग इस मजाक को मजाक न ले। अगर आप लोग अपना 1, 2, 3 या बीटेक के केस में 4 साल बचाना चाहते हैं, अच्छे से बिताना चाहते हैं, तो किसी सच्चे को वोट करें, अच्छे को वोट करें। चॉकलेट, बियर इन चीज़ों के लालच में ना आए और किसी ऐसे उम्मीदवार को जिताएं जो वाकई आपके कॉलेज का भला कर सके। धन्यवाद। और हाँ, एक और चीज़, इलेक्शन के दिन वोट जरूर कीजिए।